मौजूद है गौसपुर में, जहाँ पे मुश्ताक दायो के जुल्म के सताए लोगों ने बातें हमसे तो की हैं, लेकिन वो कैमरा के आने के लिए तैयार नहीं है। मुश्ताक दायो जो कि पीएससी के 3,000 और पी आटा चक्की के 30,000 लेते हैं, इसके महाना 4 से 5 लाख बनते हैं और देहाती गांव से अलग ये पैसे लेते हैं, लेकिन वो कौमी ख़जाने में अभी तक जमा नहीं करवाएं। मैंने खंभे भी रखे हैं चैनल पे, ये भी आप देखते होंगे कि यहाँ पे कितने मीटर हैं और गवर्नमेंट को ये कितना फ़ायदा दे रहा है। ये मुश्ताक एक नहीं, इनके साथ काफ़ी टीम मुलविस है, जो कि सिर्फ अपने घरों को सजा के 5-5, 10-10 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि इसको गिरफ़्तार करके गरीब आवाम को इंसाफ दिया जाए और कौमी ख़जाने का पैसा वापस लेकर कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाए। कैमरामैन प्यार अली के साथ सिंगार अली, राज टीवी न्यूज़, करमपुर। करमपुर और गौसपुर के सराफीन एलएस वापडा मुश्ताक दायो के जुल्म से तंग। एलएस वापडा मुश्ताक दायो करमपुर गौसपुर जंगल फीडर से महाना 5 से 7 लाख कमाने वाला। मुश्ताक दायो से कोई नेब वाला भी पूछने वाला नहीं। ये पैसे कौमी खजाने के बजाय जाने के मुश्ताक दायो के अपने अकाउंट में चले जाते हैं। आवाम की राय है कि मुश्ताक दायो को गिरफ्तार करके नेब से पैसे उनके वापस लौटाए जाके कौमी खजाने में जमा करवाए जाएं और मुश्ताक दायो और उसकी सरपरस्ती करने वालों को सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन प्यार अली के साथ सिंगार अली, राज टीवी न्यूज़, करमपुर।